हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10। ये सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है, ठीक है। तो सीबीएसई में तो बहुत ही कम पढ़ना है और आईसीएसई बोर्ड में जो है थोड़ा सा ज़्यादा है ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो जहाँ पे सीबीएसई का टॉपिक खत्म होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ यहाँ पे सीबीएसई वाला खत्म हो गया, अब सिर्फ आईसीएसई के लिए, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप कर दीजिए लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ना होता है कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल उसका जो साइड है और उसका जो एंगल है, तो साइड साइड का रेशियो और एंगल, मतलब साइड और एंगल के बीच में हम लोग रिलेशन देखेंगे किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। ट्रायंगल के साइड और उसके एंगल का रिलेशन हम लोग किसमें देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे एंगल पे। तो एंगल आप क्लास 9th या 8th से ही पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, किसी इनिशियल लाइन से, इनिशियल रे से। जैसे मान लो कि ये कोई इस तरह से इनिशियल रे है ना, आपने अमाउंट ऑफ रोटेशन लिया, इस रे को आपने रोटेट कराया इस तरह से, मान लो इतना आपने इतना रोटेट कर दिया, तो ये मान लो रे यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इतना जो रोटेट हुआ, ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, यही क्या है, यही आपका एंगल है ना, यानी कि अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है एंगल। अच्छा, अगर आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कराया, इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर आपने ये थीटा को अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज मूव कराया, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो एंगल क्या होगा, एंगल होगा पॉजिटिव एंगल बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल। लेकिन अगर आपने क्लॉकवाइज मूव कराया, क्लॉकवाइज, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज, तो इसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव एंगल बोलेंगे, निगेटिव एंगल। देखो ये हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव कराया है, घड़ी तो ऐसे घूमता है ना, हम लोग ऐसे घुमाए यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हम मूव कराएंगे एंगल को तो वो पॉजिटिव एंगल बनेगा, और अगर हमने एंगल को अगर रोटेट कराया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये जो एंगल होगा वो निगेटिव एंगल होगा, है ना। तो ये भी एंगल है, क्या है, निगेटिव एंगल। तो ये निगेटिव एंगल, ये होगा पॉजिटिव एंगल, यानी पॉजिटिव एंगल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराना होगा, और यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में यही होता है। यानी कि जो एंगल की हम लोग बात कर रहे होते हैं तो वो पॉजिटिव एंगल की बात करते हैं, और पॉजिटिव एंगल बोलने का मतलब ये हुआ कि आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मूव करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एंगल, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब एंगल को मेजर किससे किया जाता है, तो मेजर दो तरीके से किया जाता है जनरली, वैसे तो तीन चार मेथड है लेकिन जनरली दो तरीका ही अब रह गया है जिसका यूज होता है, ठीक है। एक होता है रेडियन, एक होता है डिग्री, ठीक है। तो आप लोगों को रेडियन डिग्री में से सिर्फ रेडियन ही पढ़ना है, सॉरी डिग्री ही पढ़ना है, रेडियन नहीं पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये पूरा बता देता हूँ ताकि आप जब एनटीएससी या फिर ओलंपियाड या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो आपको वहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उसका डिटेल जान लें, क्या होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल की अगर हम लोग बात करें, मेजरमेंट ऑफ एंगल, अगर हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात करें तो अब जो मार्केट में रह गया है वो दो ही टाइप का मेजरमेंट रह गया है, कौन कौन सा, एक होता है रेडियन और दूसरा होता है डिग्री। एक होता है रेडियन, एक होता है रेडियन, चलो डिग्री पर लिख लेते हैं, आप लोगों को डिग्री पढ़ना है ना। एक होता है डिग्री, डिग्री मेजर, और एक होता है रेडियन, यानी कि ये दोनों एंगल ही हैं, एक होता है रेडियन। तो या तो रेडियन बोले या तो डिग्री बोले, दोनों क्या है, दोनों के दोनों एंगल है, सही है ना। तो डिग्री में क्या होता है और रेडियन में क्या होता है, तो डिग्री में क्या होता है कि डिग्री को डिफाइन कैसे किया गया कि आप ले एक सर्कल ले लो इस तरह से समझो, सही ना। तो सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल होता है, 360 होता है, 360 है ना। तो उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया सेंटर से, ठीक है ना। तो जैसे ही एक पार्ट बना, एक पार्ट के द्वारा जो एंगल आया है ना, एंगल मेड बाय वन पार्ट, तो इसको बोला गया 90 डिग्री, क्या बोला गया, 90 डिग्री, यानी कि वन राइट, तो एक उसको राइट एंगल बोला गया, एक पार्ट जो आया जैसे सर्कल के सेंटर पे क्या बनता है, 360 डिग्री, तो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, और एक पार्ट के द्वारा जो एंगल बना उसको बोला राइट एंगल, क्या बोला गया, वन राइट एंगल इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री के बराबर। और वो जो राइट एंगल आया इसको फिर 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो इसलिए 90 डिग्री बोला गया,
मैं आपको फिर से बताता हूँ, एक सर्कल है उसको फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, तो सेंटर पे जो एक पार्ट के द्वारा जो एंगल बना उसको राइट एंगल बोला गया, ठीक है ना, वन राइट एंगल, ठीक है। तो वन राइट एंगल को फिर क्या किया गया, इसको 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ये जो एंगल बना इस तरह से, इसको 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, इस तरह से कितना पार्ट में, 90 पार्ट में। तो 90 पार्ट में इसका मतलब ये हुआ कि वन राइट एंगल में 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो वन पार्ट आया, एक पार्ट के द्वारा जो एंगल बना उसी को बोला गया वन डिग्री। क्या बोला गया, 1 डिग्री। तो 90 से बना था इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। और एक डिग्री जो है, यहाँ पे जो एक डिग्री बना है इसको फिर से 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, सही ना। तो इसको और एक पार्ट को बोला गया मिनट, यानी एक डिग्री में हो गया 60 मिनट। फिर एक जो मिनट आया फिर उसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, उसको सेकंड्स बोला गया। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो ये जो पावर में 0 लिखा हुआ है, एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, डिग्री लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, डिग्री। और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, ठीक है। मैं आपको फिर समझाता हूँ, एक सर्कल था, फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, एक पार्ट था उसको राइट एंगल बोला गया, अब उस एक पार्ट को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, तो एक पार्ट को बोला गया 1 डिग्री। तो 90 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, इसलिए वन राइट एंगल क्या बोला गया, 90 डिग्री बोला गया। अच्छा, फिर एक जो डिग्री बना, ये जो एक डिग्री बना था, फिर इसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 60, तो एक पार्ट को मिनट बोला गया, तो एक डिग्री में कितना हो गया, 60 मिनट हो गया। फिर एक जो मिनट था, फिर उसको 60 पार्ट में डिवाइड किया गया, और एक जो पार्ट आया उसको बोला गया सेकंड्स, इसलिए 1 मिनट में 60 सेकंड्स हो गया, ठीक है। तो ये था डिग्री, मिनट और सेकंड्स, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं रेडियन पे। तो रेडियन कैसे आया था, तो रेडियन में क्या है कि ये इस तरह से डिफाइन किया गया कि इट इज एन एंगल, ये क्या है, एंगल ही है, इट इज एन एंगल एंगल सबटेंडेड एट द सबटेंड 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 एट सेंटर ऑफ सर्कल by an arc whose length is equal to radius of the circle। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि ये एक सर्कल है, ठीक है, तो बोला गया कि ये जो क्या होता है रेडियन क्या होता है, ये भी एंगल ही होता है, ठीक है। कहाँ पे बनता है, सर्कल के सेंटर में बनता है, किसके द्वारा बनता है, आर्क के द्वारा। आर्क क्या होता है, आप लोग समझते होंगे, सर्कल पे इस तरह से अगर हम ये पार्ट इस तरह से कट कर ले, तो ये जो पार्ट है ना, ये आर्क हो गया, ये हो गया माइनर आर्क, ये हो गया मेजर आर्क, आप ये समझते हो इस बात को। तो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा किसके द्वारा, आर्क के द्वारा, और उस आर्क का जो लेंथ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, उस आर्क का लेंथ रेडियस के लेंथ के बराबर होना चाहिए, तब जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, रेडियन बोलेंगे, यानी एक रेडियन बोलेंगे। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, ये रहा सेंटर, सही है ना। तो चलो मैं कोई आर्क ले लेता हूँ, यहाँ से ये और यहाँ से ये, इतना आर्क ले लिया। तो इस आर्क के द्वारा मैं सेंटर पे एंगल बनाया, मैंने सेंटर पर एंगल बनाया, ये एंगल बनाया, तो ये जो एंगल आया, इस एंगल को अगर नाम थीटा दे दें, तो इसी को बोलेंगे 1 रेडियन। इसको क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। इसको क्या बोलेंगे, इस थीटा को बोलेंगे 1 रेडियन, 1 रेडियन बोलेंगे, ठीक है ना। तो कब बोलेंगे, जब ये जो आर्क लेंथ था इसका लेंथ रेडियस के लेंथ के बराबर होना चाहिए। ये जो ये क्या कह जाएगा, ये था रेडियस। तो आपने क्या देखा कि जो रेडियन होता है, रेडियन वो क्या होता है, एंगल होता है, कहाँ पे बनता है, सर्कल के सेंटर पे बनता है, सही ना। किसके द्वारा बनता है, आर्क के द्वारा बनता है, ठीक है ना। कितना आर्क, रेडियस के लेंथ के बराबर आर्क लेंथ होना चाहिए, ठीक है ना। उस आर्क लेंथ के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा उसको बोलेंगे 1 रेडियन बोलेंगे, और रेडियन को 1 to the power c बोलते हैं। एक्चुअली इसको सर्कुलर मेजर भी बोलते हैं, रेडियन को क्या बोलते हैं, सर्कुलर मेजर भी बोलते हैं, इसलिए ये 1 to the power हमने सी लिखा है, आप नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1 रेडियन। तो 1 रेडियन आप समझ गए कि सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा किसके द्वारा, आर्क के द्वारा। कितना आर्क, जितना रेडियस का लेंथ होगा उतना ही आर्क का लेंथ होना चाहिए, ठीक है।
तो ये हो गया रेडियन का डेफिनेशन। अच्छा तो अब हम लोग ये देख लेते हैं, जब हम लोग डिग्री देख चुके हैं, रेडियन देख चुके हैं, तो आखिर दोनों में कुछ रिलेशन भी होगा। जैसे होता है ना कि रुपीज़ और डॉलर है, तो रुपीज़ और डॉलर में कुछ ना कुछ रिलेशन है कि हाँ $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़ या जो भी अभी चल रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से रेडियन और डिग्री में भी कुछ रिलेशन होगा। तो उस रिलेशन को देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ये बताओ कि अगर मैंने ये एंगल बढ़ा दिया, ये एंगल अगर मैंने बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली आर्क का लेंथ ही बढ़ जाएगा, या फिर मैंने आर्क का लेंथ घटा दिया तो एंगल भी घट जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आर्क लेंथ और सेंटर पर जो एंगल बनेगा ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब आर्क लेंथ अगर घटेगा तो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है उस आर्क से वो भी घट जाएगा। अगर मैंने आर्क लेंथ को इंक्रीज करा तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं कि आर्क लेंथ एंड एंगल जो होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सही ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि हर जगह उसका रेशियो इक्वल रहेगा, हर जगह उसका रेशियो इक्वल रहेगा। रेशियो इक्वल बोलने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप ये समझो, मैं इसको मिटा देता हूँ फिर आपको बात करता हूँ। तो आप लोग ये नोट कर लो, आपको अगर ये नोट करना तो आप ये नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो तो मैं इसको मिटाता हूँ। तो डिग्री में फिलहाल इतना, रेडियन में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हम लोग कि इस पर रिलेशन हम लोग देखने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री या डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। तो चलिए रिलेशन देख लेते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग रिलेशन बात करें, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, तो डिग्री और रेडियन रिलेशन देखने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे मान लो कि मैंने ये ले लिया सर्कल, ठीक है, ये सर्कल ले लिया। अच्छा तो अभी आपने देखा था कि आर्क लेंथ और सेंटर पर जो एंगल बनता है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो मान लो कि ये सेंटर है और ये हमने कोई इस तरह से एक डायमीटर खींच दिया, ठीक है, एक डायमीटर खींच दिया, सही है। और एक यहाँ से हम आर्क लेंथ ले लेते हैं, और कितना आर्क लेंथ ले लिए, इस आर्क लेंथ की लंबाई हमने आर ले लिया, कितना ले लिया आर, रेडियस के लेंथ के बराबर मैंने ले लिया, ये आर है, तो ये भी आड़ हो गया, सही ना। तो ये जो एंगल बना इसको बोलेंगे 1 रेडियन, या तो 1 लिखो या फिर आप इसको 1 to the power c भी लिख सकते हो, तो इसी को बोलते हैं रेडियन, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया रेडियन। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि इस आर्क के द्वारा, आर्क लेंथ के द्वारा जो एंगल बन रहा है उसको रेडियन बोल रहे हैं, 1 रेडियन। तो यहाँ से यहाँ तक का जो आर्क लेंथ होगा उससे जो एंगल बना होगा वो तो हम जानते हैं कितना बना होगा, वो 180 बना होगा, क्योंकि एक डायमीटर है, तो डायमीटर जो स्ट्रेट लाइन, तो इस पॉइंट पे कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, सही ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एंगल और आर्क लेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये हर जगह क्या होगा, रेशियो कांस्टेंट रहेगा। रेशियो कांस्टेंट बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ये बोल दें आर्क लेंथ अपॉन रेडियन, आर्क अपॉन ये एंगल इज इक्वल टू होगा ये आर्क अपॉन ये एंगल, या फिर हम उल्टा बोल सकते हैं ये एंगल अपॉन आर्क लेंथ इज इक्वल टू ये वाला एंगल अपॉन ये आर्क लेंथ, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं रेशियो इक्वल होना, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 180 डिग्री जो एंगल बना है वो किस आर्क लेंथ से बना है, तो इतना आर्क लेंथ यहाँ से यहाँ तक का आर्क लेंथ रहा होगा, तो ये आर्क लेंथ कितना रहा होगा कोई बता सकते हो। तो ये जो आर्क लेंथ होगा ये तो सेमी सर्कल है, तो पूरे सर्कल का जो लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक 2πr होता है, तो ये हाफ है तो कितना हो जाएगा πr हो जाएगा, कितना हो जाएगा πr हो जाएगा, सही है। तो 180 अपॉन πr, हम क्या बोलें कि ये जो एंगल बना है वो πr आर्क से बना है, तो 180 अपॉन πr इज इक्वल टू होगा, अगर इस आर्क लेंथ को हमने कम कर दिया यहाँ तक ले आए r तक, तो ये हो जाएगा आर्क लेंथ r अपॉन में क्या हो जाएगा 1 एंगल, यानी कि 1 रेडियन, सही ना। तो या फिर 1 रेडियन आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि सॉरी हम लोग उल्टा कर दे रहे हैं, एंगल को ऊपर लिख रहे हैं और आर्क लेंथ नीचे लिख रहे हैं, तो यहाँ भी एंगल को ऊपर लिखना पड़ेगा, एंगल को ऊपर लिखना पड़ेगा, आर्क लेंथ को नीचे लिखना पड़ेगा, सही है। अच्छा अब इसको सॉल्व पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 180 डिग्री इज इक्वल टू ये तो 1 है, पाई से मल्टीप्लाई होगा तो पाई रेडियन हो जाएगा, पाई रेडियन। तो पाई के पावर आप सी भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई भी बोल सकते हो। तो यहाँ से ये पता चला कि अच्छा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है।
तो हम लोग ये बोलेंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 180 डिवाइड कर देंगे तो पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा, सही है ना। और अगर हमें 1 रेडियन निकालना होगा तो 1 रेडियन अगर निकालना होगा तो 180 बाय पाई डिग्री हो जाएगा। सब वैल्यू मैंने यहीं से निकाला है, आप यहाँ से 1 रेडियन निकालो तो पाई से डिवाइड हो जाएगा तो 180 बाय पाई डिग्री हो जाएगा, सही ना। तो ये क्या था, ये था आपका डिग्री से रेडियन में, डिग्री टू रेडियन, ये था डिग्री टू रेडियन। डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आप ये यूज करेंगे, यानी कि डिग्री से रेडियन में जाना हो तो आप क्या करेंगे कि उस डिग्री में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि देखो 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन है, तो मैंने आपसे पूछा कि बताओ 2 डिग्री कितना होगा, तो आप बोलोगे 2 × π/180 रेडियन हो जाएगा। जैसे मैंने बोला 30 डिग्री कितना होगा, तो बोले 30 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करो, तो क्या करना है इस डिग्री को आपको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, पाई बाय 180 से, तो पाई बाय 180 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 6 = 18 यानी कि पाई बाय 6 रेडियन हो जाएगा, यानी 30 डिग्री बराबर पाई बाय 6 रेडियन हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आप किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो बाय मल्टीप्लाई पाई बाय 180, ठीक है ना। अच्छा, और अगर रेडियन से डिग्री में जाना हो, रेडियन से डिग्री में, जैसे मान लो पाई बाय 6 है, तो पाई बाय 6 है, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो इसको यूज करेंगे, ये है रेडियन टू डिग्री। तो रेडियन से अगर डिग्री में जाना हो तो आप क्या करोगे, उस रेडियन में 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो, आप इसमें क्या करो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 × 18 यानी कि 30 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग रिलेशन निकालने वाले थे डिग्री और रेडियन में, तो डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है ना, कितने का अंतर, ये सब चीज़ हम देखना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या किए, इसी को सॉल्व कर दिए, इसको हमने सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कर देते हैं, है ना। 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या है, 180 बाय पाई डिग्री, ठीक है। तो अब पाई का मतलब तो 3.14 होता है, तो यहाँ पे 3.14 लिख लो, इस पर डिग्री लगा दो, ये हो गया 1 रेडियन। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 57 डिग्री आएगा, क्या आएगा 57 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री आएगा, सही है ना। तो 47 पॉइंट कुछ आएगा, तो मैंने उसको रफली ले लिया है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री, यानी कि 1 रेडियन अपने आप में 57 डिग्री के बराबर है, तो इसका मतलब बड़ा कौन हुआ, तो ऑब्वियसली रेडियन बड़ा है, क्योंकि 1 रेडियन अपने आप में 57 डिग्री के बराबर है। जैसे मैं बात करूँ रुपीज और डॉलर की, तो 1 डॉलर इज इक्वल टू 70 रुपीज, तो डॉलर इज ग्रेटर देन रुपीज, उसी तरह से 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री, तो ऑब्वियसली जो रेडियन होगा वो ग्रेटर होगा 1 डिग्री से। तो अगर मैं बात करूँ कि क्वेश्चन इस तरह से, विच इज करेक्ट, कि कौन सा ये करेक्ट होगा, जैसे मैं बोल दूँ कि 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 रेडियन, ठीक है, पहला नंबर। अगर मैं सेकंड नंबर पर बात करूँ कि 1 डिग्री इज लेस देन 1 रेडियन, सही ना। और अगर मैं तीसरे नंबर पर बात करूँ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन, और चौथे पे हम लोग नन ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई नहीं, तो आप बताओ कौन सा सही होगा। तो ऑब्वियसली जो रेडियन होगा वो बड़ा होगा डिग्री से, तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चंस है वो आपको NTSC या ओलंपियाड वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको इससे क्लास टेंथ में कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। हाँ, अगर आप क्लास 11th में जाओगे तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं प्रॉपर क्लास 10th वाले टॉपिक पे, जो हमें पढ़ना क्या है। तो हमें पढ़ना है राइट एंगल से रिलेटेड चीज़ें। तो अब हम लोग बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल पे, है ना, कि राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग बचपन से देखते आए हो, कि राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसमें वन एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ABC इस तरह से। तो जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, और परपेंडिकुलर और बेस इस बात पर डिपेंड करता है कि आप एंगल कौन सा कंसिडर करते हो। इसमें ये परपेंडिकुलर ये बेस हो सकता है, या फिर ये परपेंडिकुलर ये बेस हो सकता है, ये इस पर डिपेंड करता है एंगल कौन सा कंसिडर करते हो। अगर आपने ए एंगल कंसिडर किया है तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर आपने एंगल सी कंसिडर किया तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, सही ना। तो चलो मैंने एंगल ये वाला कंसिडर किया थीटा, ठीक है, तो इसके साथ वाला साइड क्या हो जाएगा बेस, जिस पे थीटा है उसको बेस बोलते हैं, और उसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इसका मतलब इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी काम करेगा। तो पाइथागोरस साहब क्या बोले थे, जो सबसे बड़ा वाला साइड होगा वो स्क्वायर
वो उसका जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, दोनों छोटे वाले साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा हम नहीं बोले थे, कौन बोले थे, पाथागोरस साहब बोले थे। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग किसी एक का भी वैल्यू निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा वाला साइड कौन होता है, एच, तो सबसे बड़े वाला साइड का स्क्वायर निकालना हो तो बीच में प्लस कर देते हैं। अगर मान लो यहाँ पे पी स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, है ना, इसको यहाँ पे रोक लिया, इसको उठा के इधर कर दिए। अगर हमें बी स्क्वायर निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर देंगे। इसको याद रखना बहुत ही आसान है, वो इस तरह से कि जैसे मान लो कि यहाँ पे सबसे बड़ा कौन होता है, एच, P और B, तो इन 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 दोनों से ये क्या होता है, बड़ा होता है, यानी H जो होता है सबसे बड़ा होता है P और B से, यानी कि P और B छोटा होता है H के रिस्पेक्ट में। तो देखो, अगर आपको सबसे बड़ा वाला साइड का स्क्वायर निकालना हो तो आप एडिशन करोगे, अगर आपको छोटे वाले साइड का स्क्वायर निकालना है तो माइनस करोगे, ठीक है ना, इस तरह से। और माइनस करते हैं कैसे, बड़े वाले में से छोटे वाले को हटाते हैं, तो बड़ा वाला कौन होता है, एच स्क्वायर, बड़ा वाला कौन होता है, एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को हटाते हैं इस तरह से। तो ये तो हो गया पाइथागोरस थ्योरम की बात। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कैसे एंटर करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में एंटर करने के लिए हमें क्या, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो ट्रायंगल है उसका जो साइड है और एंगल है इन्हीं का रिलेशन हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो उसमें पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, क्या है, साइन, एस आई एन ई होता है साइन, तो ये इसका पूरा नाम है लेकिन हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ साइन बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग साइन अगर इस एंगल को लेते हैं, कंसीडर करते हैं, यानी इस एंगल थीटा को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, तो ये एक रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, पी और एच का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है, पी और एच का रेशियो होता है, यानी कि एंगल के सामने वाला साइड और अपॉन में हाइपोटेनियस, इसका ये रेशियो होता है। जबकि ये 100% बात सही नहीं है, ठीक है ना, क्लास 11th में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये 100% ये पी बाई एच सही है लेकिन 100% सही नहीं है, सही ना। तो अभी फिलहाल आप लोग ये जानो कि आप लोग के लिए 10th के लिए इतना ये सही है। तो ये पहला हो गया। अगर मैं दूसरे की बात करूँ, कॉस थीटा, तो ये रेशियो होता है बी और एच का, ठीक है, और तीसरा है टैन थीटा, तो टैन थीटा हो पी और बी का ये रेशियो होता है, ठीक है ना। तो ये तीन फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है जो इस तरह से डिफाइन हुआ हुआ है, ठीक है। तो बाकी जो तीन है वो इसी का रेसिप्रोकल है, जैसे साइन, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो ये होता है, ये पी बाई एच होता है, ये क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा, और ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो ये अगर बी बाई एच है तो ये एच बाई बी हो जाएगा, ये है टैन थीटा, ये पी बाई बी है तो टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये पी बाई बी है तो ये बी बाई पी हो जाएगा, सही ना। तो ये फाइनली क्या था, ये तीन फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उसका ये रेसिप्रोकल, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 6, यानी ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। इसमें से आपको ये तीन अगर याद रहे तो इसका ये रेसिप्रोकल भी आपको याद रखना चाहिए कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो जैसे दो रेसिप्रोकल नंबर ले लो, जैसे मैंने बोल दिया एक नंबर है ए, और तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब ये हुआ कि दो रेसिप्रोकल नंबर्स अगर आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो उन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है, 1 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा, हाँ करके देखो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इधर से पी बाई एच इंटू एच बाई पी हो जाएगा, तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1। यानी कि यहाँ भी हम लोग क्या देखेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो एक फार्मूला हो गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, उसी तरह से कॉस इंटू सेक 1 हो जाएगा और टैन इंटू कॉट 1 हो जाएगा, सही ना। तो इस बात को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो इसको मैं लेवल में डाल देता हूँ। तो हमें क्या मिला, रिजल्ट मिलना शुरू हो गया क्या, कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1, और साइन और कॉसेक एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो ये एक फार्मूला बन गया, ठीक है, जो आपको याद करना है। सेकंड फार्मूला आप खुद से बोल सकते हो, दूसरा क्या था, कॉस, और उसका रेसिप्रोकल क्या था, सेक, यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा, 1 होगा, क्यों, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो इंटू में 1 आएगा। अच्छा, तीसरा हम लोग बात करें तो टैन थीटा था, टैन का रेसिप्रोकल कॉट था, तो इनका भी प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है उसका प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। तो यहाँ से दो रिलेशन और आप निकाल सकते हो, कौन कौन सा रिलेशन, कि अगर मैंने यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू निकाला तो क्या बोलेंगे, तो कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 बाई कॉसेक थीटा ऐसा हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे कॉसेक थीटा का वैल्यू निकाला तो आप क्या बोलोगे, 1 बाई साइन थीटा। अच्छा,
तो अगर हम लोग यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकालें तो कैसे निकलेगा, यानी कि कॉस थीटा निकालना चाहते क्या बोलेंगे, 1 बाय sec थीटा। अच्छा, उसी तरह से sec थीटा का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या बोलेंगे, 1 बाय cos थीटा। सही ना, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, है ना, आप लोग तो लिख भी चुके होंगे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय cot थीटा। अच्छा, अगला है cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय tan थीटा। सही ना, तो ये एक तरह से फार्मूला हो गया, यानी कि आपने अगर तीन फार्मूला याद कर लिया, है ना, 1, 2, 3, तो बाकी 6 आपको अपने आप याद हो जाएगा। इसी से तो आया है साइन इंटू कॉस एक 1, चूंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कॉस इंटू सेक 1 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, टेन इंटू कॉट 1 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो साइन का वैल्यू मैंने निकाला तो क्या बोल दिए, 1 बाई cos, ठीक है ना। उसी तरह कॉस एक का वैल्यू निकाला तो साइन को इधर डिवाइड कर दी तो 1 बाय sin। कॉस थीटा वैल्यू निकालें तो ये सेक इधर डिवाइड हो चला गया तो 1 बाय sec। कॉस सेक थीटा वैल्यू निकालें तो कॉस इधर डिवाइड में चला गया 1 बाय cos। टेन इंटू कॉट है तो टेन का वैल्यू निकालें तो कॉट इधर डिवाइड में चला गया तो 1 बाय cot। अगर हमने कॉट का वैल्यू निकाला तो टेन इधर डिवाइड में चला गया 1 बाय tan थीटा। सही है, तो एक तरह से फार्मूला हो गया, आपको तीन फार्मूला याद रहेगा तो आपको बाकी का 6 भी याद रहेगा। सही है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। तो अब अगला ये है कि जैसे आपने अगर ये ले लिया कि आप पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो, उसमें क्या देखे थे हम लोग कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, यानी कि हम ये बोल सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो अगर हमने दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इधर एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर ऐसा दिखेगा। तो यहाँ से एच स्क्वायर एच स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 और ये हो जाएगा पी बाई एच का होल स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा बी बाई एच का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे पी बाई एच को हम लोग क्या बोले थे, याद करो, साइन थीटा बोले थे, पी बाई एच को साइन थीटा, तो क्या बोलेंगे इसको, साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बी बाई एच को याद करो हमने बोला था कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब ये जो होल स्क्वायर है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा पे स्क्वायर नहीं, साइन स्क्वायर थीटा ऐसा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फार्मूला हो गया, इसका मतलब फार्मूला नंबर 4 हो गया, 3 तो हम लोग देख चुके थे, ये चौथा नंबर हो गया। तो पांचवा नंबर कहाँ से आएगा, पांचवा नंबर फार्मूला कुछ इस तरह से आएगा कि अभी मैंने यहाँ पे एच स्क्वायर को सेपरेट किया, आप एक बार बी स्क्वायर को सेपरेट कर लेना, ठीक है ना, एक बार पी स्क्वायर को सेपरेट कर लेना। जैसे मैंने एच स्क्वायर को सेपरेट करके एच स्क्वायर से डिवाइड किया है, उसी तरह से आप पी स्क्वायर को सेपरेट करके पी स्क्वायर से डिवाइड कर देना, है ना। तो आपको दो फार्मूला और मिलेगा, कौन कौन सा मिलेगा, एक ये मिलेगा आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक ना, आप लोग करके देख लेना, इतना ही आएगा। अच्छा, सिक्स नंबर में क्या है कि एक और आएगा आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सही है ना, कैसा आया मैंने आपको बताया, आप चेक कर लेना। तो ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि ये फॉर्मूला वर्क कब करेगा, ये फॉर्मूला वर्क तब करता है जब ये एंगल सेम हो, एक तो ये एंगल सेम हो और यहाँ पे स्क्वायर ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्क्वायर ही होना चाहिए। अगर कोई अदर वैल्यू हुआ तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा, जैसे जैसे ऐसे बोल दें कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 हो जाएगा, नहीं, ये बात सही नहीं है, स्क्वायर रहेगा तभी 1 होगा। जैसे किसी ने क्यूब बोल दिया तो भी ये 1 के बराबर नहीं होगा, किसी ने मान लो ऐसा बोल दिया 4 बोल दिया तो भी ये 1 के बराबर नहीं होगा, आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, अगर बीच प्लस की जगह माइनस भी हुआ तो भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे स्क्वायर ही होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए और ये साइन कॉस होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए तभी ये 1 होगा। जैसा ऐसा बोल दिया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा तो भी 1 हो जाएगा, जैसे किसी ने बोला साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी तो भी ये 1 हो जाएगा, चूंकि एंगल सेम है, सही ना। लेकिन ऐसा किसी ने बोल दिया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, नहीं होगा, सही है ना, एंगल भी सेम होना चाहिए, स्क्वायर ही होना चाहिए, बीच में प्लस ही होना चाहिए, सही है, तभी ये फॉर्मूला काम करता है। उसी तरह से ये भी, उसी तरह से ये भी। अब देखो इस फॉर्मूले में क्या है कि किसी कोई बच्चा बोलता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 तो भी चलेगा, किसी ने बोल दिया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो भी चलेगा, चूंकि बीच में प्लस है आगे पीछे बोल सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आपको तो एंगल सेम रखना ही रखना है, स्क्वायर होगा तभी फॉर्मूला काम करेगा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 1 नहीं होता है, मतलब ये वो फार्मूला जहाँ पे बच्चा कंफ्यूज करता है, इसलिए मैंने इस पर टिक लगा दिया ताकि आप इसको थोड़ा ज़्यादा फोकस करके याद करो। इसको यहाँ भी ये फार्मूला कंफ्यूज करता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर 1 नहीं होता क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ से दो रिजल्ट और भी निकाला जा सकता है, कौन सा, अगर मैंने साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल दिया तो कॉस स्क्वायर इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया? वन माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, उसी तरह से यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो साइन स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सही है। अच्छा, अगले पे बात कर लेते हैं, सेक स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैंने सेक स्क्वायर का वैल्यू निकाला, सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा? वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सही ना। अच्छा, उसी तरह से अगर मैंने टैन स्क्वायर का वैल्यू निकाला कि टैन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो आप देखो यहाँ से निकालोगे तो कन्फ्यूज हो जाएगा, देखो माइनस टैन स्क्वायर बचेगा, इसको आप इधर ले जाओगे तो वन माइनस सेक स्क्वायर, लेकिन माइनस में टैन स्क्वायर बचेगा, दोनों तक माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना ही आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से समझो, यहाँ से आप टैन स्क्वायर का वैल्यू निकाल दो, देखो टैन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन को उठा के इधर कर दो तो वन इधर प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में, तो देखो सेक स्क्वायर माइनस वन हो गया, सही ना। उसी तरह से इसका कॉसेक स्क्वायर थीटा का, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। कॉट स्क्वायर थीटा को उठा के इधर कर दिए, अब अगर हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले तो क्या बोलेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेम है ना, इसी तरीके से। तो ये फॉर्मूला भी कंफ्यूज करने वाला है, ये फॉर्मूला भी कंफ्यूज करने वाला है ना। बच्चा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन ना बोल करके वन माइनस सेक स्क्वायर बोलना शुरू कर देता है, जो कि गलत हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब फॉर्मूला नंबर हम लोग सेवन पे बात कर लेते हैं। सेवन नंबर फॉर्मूला क्या है? सेवन नंबर ये है कि अगर टैन थीटा को साइन कॉस में तोड़ना हुआ तो क्या करेंगे, तो बोलेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सही ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सही है। और एट नंबर फॉर्मूला कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस टैन का उल्टा कॉट होता है, तो ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। अगर आपको पता करना हो कि कैसे आया है, तो आप लोग ये समझो कि इस तरह से कि जैसे मैंने बोल दिया टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है, पी बाई बी होता है, पी बाई बी, अगर हमने ऊपर नीचे एच से डिवाइड कर दिया तो ये पी बाई एच हो जाएगा और ये बी बाई एच हो जाएगा, तो यही पी बाई एच साइन थीटा, ये बी बाई एच कॉस थीटा, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, इतना भी नीचे जाने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल आप लोग ये समझ गए, है ना। तो ये आठ फार्मूला है जो आपके क्लास टेंथ से, टेंथ में इसी फार्मूले से काम चल जाएगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन इसी आठ फार्मूले से आपका बनेगा। अगर आपको ये फार्मूला याद होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बिल्कुल आसान होने वाला है, सही है ना। तो चलते हैं हम अगला रिजल्ट पे, अगले रिजल्ट पे। अगला रिजल्ट क्या है? जो अगला रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है यहाँ से। देखो आप लोग ये जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है वन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, तो क्यों ना इसको हम लोग ऐसा लिख दें कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है वन, इसका मतलब ये एक दूसरे क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सही ना। तो यहाँ से भी दो रिजल्ट निकाला जा सकता है, क्या क्या? एक निकाला जा सकता है अगर मैंने सेक थीटा प्लस टैन थीटा को रोक दिया तो ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या बचेगा, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सही ना। और अगर मैंने इसका वैल्यू निकाला कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू निकाला तो क्या आएगा, वन अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा आ जाएगा, सही है। तो ये एक रिजल्ट हो गया, है ना। तो हम लोग क्या देखें कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा माइनस टैन थीटा, या फिर उल्टा बोल सकते हैं सेक थीटा माइनस टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे मान लो किसी ने ऐसा बोला कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू क्या है, टू बाई थ्री है, मान लो ऐसा किसी ने बोला, तो आप लोग खट से बोलोगे अच्छा सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू जरूर थ्री बाई टू होगा, इसी का रेसिप्रोकल बोल दो, है ना, तो फट से निकल गया। तो ये आप समझ गए कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तरीका इसमें लगा है वही तरीका इसमें भी लग सकता है, किसमें, ये वाला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें भी हम लोग लगा सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोग साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाला नहीं लगा सकते क्योंकि बीच में वहां पर प्लस है, तो यहां पे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कॉसेक प्लस कॉट थीटा ए प्लस बी इंटू कॉसेक माइनस कॉट थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, वन। तो यहां से भी आप दो रिजल्ट निकाल सकते हो, है ना, दो रिजल्ट निकाल सकते हैं। कौन कौन सा? एक हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, सॉरी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या बोलोगे, वन अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये बोल सकते हैं। या फिर अगर हमें कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा निकालना हो, माइनस कॉट थीटा निकालना हो तो क्या बोलेंगे, वन अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये बोलेंगे हम लोग। तो ये दो रिजल्ट आ गया, है ना, जो इससे रिलेटेड है।
तो ये फिलहाल रिजल्ट था, तो ये रिजल्ट तो इतना ज़्यादा यूज नहीं है आपके लिए, है ना। हाँ, अगर आप एनटीएससी या ओलंपियाड वगैरह क्वेश्चन बनाओगे तो यूज हो सकता है। तो मैंने ये ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला है वो मैंने इस तरह से बताया है ताकि आपका एनटीएससी, ओलंपियाड, टेंथ, आईसीएसई, सीबीएसई सबका ये कवर हो जाए एक साथ, सही ना। तो आपको बस वो 8 फार्मूला याद रखना है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनेगा। कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करने का क्या हमें क्या तरीका होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, है ना, क्या हमें पहले सोच लेना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, सही ना। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस जो भी हम लोग थ्योरी आज पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन देखेंगे, उसका यूज देखेंगे कि ये जो फार्मूला हमने याद किया है कि यूज कैसे करेंगे, इसका कैसे यूज करेंगे, कैसे हमको याद रखना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियोज में, सही है ना। तो यानी कि अगला वीडियोज काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ताकि आप इसका यूज कर पाओ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।